सरपुर से पन्ना रोड नेशनल हाईवे पर रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित आधा दर्जन पुल पुलिया मौत का कारण बनी हुई है। बता दें कि शहर की सड़कों को सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने नेशनल हाईवे पन्ना रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा था। बता दें कि लेकिन नगरीय प्रशासन इस पुल पुलियाओं का चौड़ीकरण करना भूल गया और आए दिन मोटरसाइकिल सवार यात्री पुल पुलिया में गिरकर अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बीती रात का है, जहां एक युवक स्ट्रीट लाइट और संकेत नहीं होने के कारण संकीर्ण पुलिया में गिर जाता है, जिसके बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं, इसका टेंडर 3 साल पहले हो गया, नगर पालिका ने इसको नहीं बनवाया। आप जिम्मेदारी प्रशासन की, जिंदगी से खेलना है कलेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पूर्व में रोड चौड़ीकरण कराया गया था, जिसकी वजह से लोग चौड़ी रास्ते से आते हैं और बाद में उनको अचानक से सकरी पुलिया का सामना करना पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है कि पहले पुलियों का चौड़ीकरण होना चाहिए, इसके बाद रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पर किसी वजह से ये रोड चौड़ीकरण पहले किया गया और पुलियां चौड़ी नहीं की गई। 2017 में एक टेंडर भी यहां से जारी किया गया, जिस टेंडर में दिक्कतें ये हैं कि वो चौड़ीकरण के लिए की गई है, पुलियों का चौड़ीकरण टेक्निकली संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो पुरानी पुलियाँ हैं, उनका नव निर्माण शुरू होना है। इस हिसाब से हम बात करें टेक्निकली, तो उनका जो स्पेसिफिकेशन है, जो उसमें काम लिए गए हैं, वो मौके स्थिति के हिसाब से उचित नहीं है इसकी वजह से। और दूसरी बात यह है कि टोटल 7 पुलियां हैं जिनका चौड़ीकरण किया जाना है। PWD द्वारा ये रोड भी अभी नगर पालिका को हैंडओवर नहीं की।